हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की वीडियो क्लास टेंथ वालों के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखिए दोस्तों क्लास टेंथ मैथ का देखिए दोस्तों मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो 2024 के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को अपने लास्ट तक देखें। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो देखिए दोस्तों, आपके ना गणित में 70 नंबर 100% आएंगे, ठीक है। आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे, इसलिए अपना इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना फटाफट से अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों, हमारा ना पहला ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। हम इसमें देखिए दोस्तों, पहले हम ना MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा देखिए दोस्तों, पहला ही बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है। हम इसको ना पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है बिंदु -3.4 एक्स अक्ष से दूरी है, ठीक है। तो हमें देखिए दोस्तों बताना है कि ये देखिए दोस्तों हमारे पास एक बिंदु है, ठीक है। और इसमें देखिए दोस्तों हमें ना एक्स अक्ष से दूरी बतानी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए एक ट्रिक बताना चाहूँगा, ठीक है। अगर आपसे देखिए दोस्तों एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो आप क्या करना, आपने वाई की वैल्यू बता देना, ठीक है। वाई का मान बता देना, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों एक्स अक्ष से दूरी पूछी है, तो इसमें देखिए दोस्तों वाई का मान कितना है, वाई का मान है 4, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे एक्स अक्ष की दूरी पूछे, ठीक है, तो अपना वाई वाले का मान बता देना। अगर आपसे वाई अक्ष से दूरी पूछे तो आप देखिए दोस्तों एक्स वाले का मान बता देना, ठीक है। और देखिए दोस्तों, एक्स वाले का मान देखिए दोस्तों यहाँ पर -3 आएगा, ठीक है। लेकिन माइनस आप नहीं लेना, जो दूरी होती है ना, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर केवल 3 आएगा, ठीक है, अगर वाई अक्ष से दूरी पूछे तो, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक्स अक्ष से दूरी पूछी है तो एक्स अक्ष की दूरी हो जाएगी 4, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला हमारा देखिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न है समांतर श्रेणी -5, -5/2, 0/5/2, इस तरह से ये सीरीज चलती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका देखिए दोस्तों 11वां पद होगा, ठीक है। हमें देखिए दोस्तों 11वां पद बताना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको देखिए दोस्तों कैसे करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों 11वां पद पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1/11, ठीक है। अब इसको हम कैसे करके लिख देंगे, हम लिख देंगे देखिए दोस्तों a+10d, ठीक है, a+10d। तो हमारा देखिए दोस्तों यहाँ पर ये 11वां पद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमें इसकी देखिए दोस्तों वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो हमें देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको कैसे करो सॉल्व करेंगे। a का मतलब होता है इस श्रेणी का पहला पद है -5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -5, ठीक है। अब देखिए दोस्तों प्लस यहाँ पर 10 है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मल्टीप्लाई डी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कॉमन डिफरेंस को कैसे कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं अगली बार पद में से पिछले पद को माइनस करते हैं। तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल के आता है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो हम देखिए दोस्तों क्या करें, हम देखिए दोस्तों हम ना 5/2 में से हम 0 को हटाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 5/2 में से अगर हम ना 0 को हटाएंगे, अगले पद में से पिछले पद को माइनस करेंगे, तो देखिए दोस्तों भाई 5/2 ही आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या में 0 को प्लस या माइनस करते हैं तो संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो गुणा 5/2, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम इसको ना सॉल्व करें, ठीक है। 2 × 2, 2 × 5, 10, ठीक है, -5, ठीक है, और +5 × 5, 25, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 25 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पर 20 बचेगा, ठीक है। तो हमारा देखिए दोस्तों 11वां पद क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों हमारा देखिए दोस्तों ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में देखिए दोस्तों +20, ठीक है। तो हमारा ये देखिए दोस्तों सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करना काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हमने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों हमारा ना तीसरा प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इसको ना पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है -60 − -30 का मान होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना, इसका देखिए दोस्तों हमें ना मान बताना है। बेसिकली आपको ना त्रिकोणमिति की टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। त्रिकोणमिति की टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी आपको ना -60 की वैल्यू पता होनी चाहिए, -30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम ना सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों -60 की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, -60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, √3/2 -60 की वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसका स्क्वायर है ना, तो हम इसका स्क्वायर भी कर देंगे, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों -30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ठीक है, 1/2, यहाँ पर भी स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, √3 का जब स्क्वायर करेंगे
तो भाई 3 रह जाएगा, ठीक है। स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, ठीक है, माइनस 1/4, ठीक है। इसका भी वर्क करेंगे 1/4, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 3 - 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2/4, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2, ठीक है। तो 1/2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख दोस्तों, हमारा ऑप्शन देख दोस्तों ए बिल्कुल, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1/2, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, हमने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें देख दोस्तों, सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम ना यहाँ पर देख दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख दोस्तों, तो देख दोस्तों प्रश्न 4 है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान होगा, ठीक है। तो हमें देख दोस्तों, ये बारी क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे करके, यहाँ पर देख दोस्तों, ये हमारे पास द्विघात समीकरण है, ठीक है, और इसके देख दोस्तों मूल समान है, ठीक है। हमें बेसिकली यहाँ पर के का मान बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब भी मूल समान होता है तो इसका भाई विभक्तर होता है ना, वो 0 के बराबर हो जाता है। विभक्तर का मतलब होता है b² - 4ac, ठीक है, ये है ना 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर देख दोस्तों, सारी वैल्यू को पुट अप करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख दोस्तों, ए बी सी की वैल्यू कैसे कर निकालेंगे, इसकी जब तुलना करते हैं ax² + bx + c से करते हैं ना, तो यहाँ पर देख दोस्तों, a का मान आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पर b का मान हो जाएगा -6, और यहाँ पर ये c का मान हो जाएगा k, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें a b c की वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, हम ना फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ही हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख दोस्तों, जब इसका मूल समान है तो हम क्या करेंगे, b का मान क्या है, b का मान है -6। अब -6 का हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब -4 * a, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3, ठीक है, गुणा c की वैल्यू क्या है, यहाँ पर c है ना, c की वैल्यू है k, ठीक है, और बराबर 0, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। -6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 * 36, ठीक है, और -+, ठीक है, और 4 * 3 = 12, ठीक है, -k = 12, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 36 जब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये भाई प्लस का हो जाएगा, ठीक है, 12k, ठीक है। 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 * 12 = 36, यानी कि k की वैल्यू 3 आ गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों, k की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन ए यानी कि 3 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, हम ना इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो देख दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा है, देख दोस्तों, संख्या 108 और 120 का मासा क्या होगा, ठीक है। यानी कि मासा यानी कि हमें HCF हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कैसे करें निकालेंगे, चलिए दोस्तों बहुत ही आसान है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख दोस्तों, 108, ठीक है, 108 के यहाँ पर फैक्टर करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और देख दोस्तों, हम ना 120 के फैक्टर करेंगे, ठीक है, 120 के फैक्टर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम ना इसको सिंपली काट लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको 2 से काटेंगे, ठीक है, 2 * 5 = 10, ठीक है, और 2 * 4 = 8, ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 * 3 = 4, और 2 * 7 = 14, ठीक है, 27 * 2 = 54, ठीक है, फिर इसको 3 से काटेंगे, ठीक है, 3 से ही कटेगा, 3 * 27, 3 * 3 = 9, और 3 * 3 = 3, ठीक है, इस तरह से काटेंगे। फिर यहाँ पर 120 को काटेंगे, ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 * 6 = 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 * 3 = 6, फिर 2 से काटेंगे, 2 * 1 = 2, और 2 * 5 = 10, ठीक है, 15 * 2 = 30, फिर हम ना देखिए दोस्तों, 3 से काटेंगे, 3 * 5 = 15, 5 * 5 = 5, ठीक है। अब देख दोस्तों, हम इसका ना HCF निकालेंगे यानी कि मासा निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, तो इन 2 को मिला के केवल एक बार 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है, एक और इसका 2 का जोड़ बन जाएगा, तो यहाँ पर फिर 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर केवल 3 है और यहाँ पर भी 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, यानी कि हम ना जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों संख्या में कॉमन देखते हैं, ठीक है। अब देख दोस्तों, यहाँ पर केवल एक जोड़ा 2 का, फिर 2 का जोड़ा बना है, फिर देख दोस्तों 3 का जोड़ा बना है, ठीक है। अब देख दोस्तों, एक भी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 * 2 = 4 * 3 = 12, ठीक है। तो यहाँ पर देख दोस्तों, इनका HCF है ना, HCF यानी कि मासा इनका 12 निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख दोस्तों, हमारा देख दोस्तों 5वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 12, ठीक है, तो 12 इसका HCF होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें देख दोस्तों, हमारा
देखिए दोस्तों, प्रश्न है छठा, ठीक है। छठे प्रश्न को हम ना सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, टेन 30 डिग्री इंटू कोसेक 60 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री का मान होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें, देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करना है और इसकी देखिए दोस्तों हमें वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति की टेबल सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको याद होनी भी चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको ना आगे देखिए दोस्तों सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे करके सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख दोस्तों, टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 डिग्री वैल्यू होती है एक वटा रूट तीन, ठीक है, एक वटा रूट तीन, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देख दोस्तों, कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर देख दोस्तों, कोसेक 60 डिग्री यानी कि कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक होता है साइन का उल्टा, ठीक है। और देख दोस्तों, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री वैल्यू होती है रूट तीन बटा दो, ठीक है। लेकिन कोसेक उल्टा होता है तो यहाँ पर हो जाएगा दो बटे रूट तीन, ठीक है। इस प्रकार से आप वैल्यू याद कर सकते हो, ठीक है। और देख दोस्तों, टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट तीन, ठीक है, रूट तीन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देख दोस्तों, सेक 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, सेक होता है कॉस का उल्टा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है रूट तीन बटे दो, ठीक है, रूट तीन बटे दो। लेकिन देखिए दोस्तों, सेक होता है कॉस का उल्टा, ठीक है। तो सेक 30 की वैल्यू आ जाएगी दो बटा रूट तीन, ठीक है, दो बटा रूट तीन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति की टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, दो बटे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तीन आ जाएगा, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, रूट तीन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, बचा दो, ठीक है। इसके नीचे बन मान के इसको ना सॉल्व करेंगे, यहाँ पर तीन इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दो प्लस तीन दूनी छः, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ती तीन और तीन दूनी छः, सही है दोस्तों। अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, छः दूनी बारह, ठीक है, छः और दो आठ होगा, ठीक है। यहाँ पर ऐड करना था, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर छः दो आठ बटा तीन, ठीक है। तो इस प्रकार से आठ बटा तीन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, आठ बटा तीन, ठीक है। अब देख दोस्तों, हम यहाँ पर देख दोस्तों, आठ बटा तीन देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आठ बटा तीन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब हम देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू आएगी आठ बटा तीन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें देख दोस्तों, इस क्वेश्चन को करना था, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इस प्रकार से इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, हमने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। मैंने देख दोस्तों, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर आए हैं, ठीक है। ये देख दोस्तों, मॉडल पेपर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप ना 2024 में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो के सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, हमने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न है सात, ठीक है। हमने देखिए दोस्तों, छठा प्रश्न कर दिया था, सातवां प्रश्न करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बिंदु 0.6 और 0.2 के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। हमें देखिए दोस्तों, इसके बीच की दूरी बतानी है, ठीक है। तो हमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर देख दोस्तों, हमने बीच की दूरी बारह सूत्र लगा देंगे, ठीक है। सूत्र क्या होता है, चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं, ठीक है। दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट के अंदर, ठीक है, अंडर रूट के अंदर एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, हम ना इसमें देख दोस्तों, वैल्यू को पुटअप करेंगे और इसको देख दोस्तों सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देख दोस्तों, हम ना इसको देख दोस्तों, एक्स वन मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे और इसको y2 मान लेंगे, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, अब आपको सही से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, केवल इसमें वैल्यू को पुटअप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 0, ठीक है, 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू देखिए दोस्तों, x1 की वैल्यू यहाँ पर भी 0 है, ठीक है। तो ये वाला पद तो पूरा 0 ही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, y2, y2 यहाँ पर क्या है, y2 यहाँ पर 2, ठीक है, 2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर y1, y1 क्या है, 6, ठीक है, 6 करेंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये वाला तो देखिए दोस्तों 0, ये तो पूरा ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 6 में से 2 जाएंगे तो भाई 4 बचेंगे, ठीक है, माइनस के 4, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, जब इसका देखिए दोस्तों स्क्वायर करेंगे ना, इसको देखिए दोस्तों अंदर स्क्वायर करेंगे, 4 × 16 यहाँ पर प्लस के 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 16 का जब वर्गमूल हम निकालेंगे ना, तो भाई 4 आएगा, ठीक है, 4 आएगा, 4 मात्रक, ठीक है, 4 मात्रक। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन देखिए दोस्तों, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमने ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों, सातवां क्वेश्चन है, ठीक है। इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, सी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम इसको पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सर्वांतर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों सामान्य पद का मतलब होता है an व पद, ठीक है। यहाँ पर an व पद दिया है, ठीक है, an व पद दिया है यहाँ पर 3n+5, ठीक है। और इसका देखिए दोस्तों सर्वांतर है, यानी कि हमें कॉमन डिफरेंस d निकालना है। कैसे करके सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कैसे करके करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा an, ठीक है। an बराबर क्या हो जाएगा, an बराबर हो जाएगा 3n+5, ठीक है, 3n+5, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें देखिए दोस्तों क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस यानी कि d निकालना है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे कर निकालते हैं, हम देखिए दोस्तों अगले पद में से पिछले पद को माइनस करते हैं तब हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर निकल के आता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना n की जगह 1 पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम कैसे करी कर रहे हैं आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। a1 क्या हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों 3×1 n की जगह 1 पुट करेंगे, ठीक है, +5, ठीक है। तो 3×3 और 3×5 8, ठीक है। तो a1 बराबर कितना आएगा, a1 बराबर आ जाएगा 8, ठीक है। हमने देखो दोस्तों ए पी का यानी कि पहला पद यहाँ पर निकाल लिया है, ठीक है। एक और पद निकालेंगे, अब क्या करेंगे n की जगह फिर हमने 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों करते हैं, तो a2, ठीक है, a2 क्या हो जाएगा 3×2+5, ठीक है। अब देखो दोस्तों 3×2=6, 6×5=11, ठीक है। तो a2, ठीक है, a2 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर देखो दोस्तों ए पी का पहला पद और दूसरा पद यहाँ पर निकल के आ चुका है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें ना कॉमन डिफरेंस इसका निकालना है, ठीक है। कैसे कर निकालेंगे, हम अगले पद में से यहाँ पर देखिए दोस्तों a2 में से हम क्या करेंगे a1 को माइनस करेंगे, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम ना करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों a2 हमारा क्या है 11, ठीक है, और a1 क्या है 8, ठीक है। अब क्या करेंगे 11 में से 8 जाएंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका कॉमन डिफरेंस इसका 3 आया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको करना था, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8वें क्वेश्चन का, ठीक है, 8वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो सी यानी कि करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, 3 इंच का सही आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम ना इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले इसको पढ़ तो ले भाई, चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 13,915 का अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली कुछ भी नहीं करना, इसको केवल काटना है, इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें इसको ना व्यक्त करना है, ठीक है, और इसमें बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ही हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 13,915, ठीक है, हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इसको ना डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पहले हम इसको ना 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 5×2=10, ठीक है, 5×2=10। तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 3, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 39, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर हो गया 39, तो 39 को हम ना 5 से डिवाइड करेंगे तो 5×48=40 ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 5×7=35, ठीक है, 5×7=35। अब देखिए दोस्तों कितना बचा, यहाँ पर बचा 4, यहाँ पर हो गया 41, ठीक है, यहाँ पर 41 हो गया, 5×48=40, ठीक है, यहाँ पर एक बचा, यहाँ पर हो गया 15, तो 5×3=15, ठीक है। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए दोस्तों ये कितने से डिवाइड होगा, ये देखिए दोस्तों डिवाइड होगा 11, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको 11 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए दोस्तों 11×2=22, ठीक है, 11×2=22। अब यहाँ पर कितना बचा, 27 में से 22 जाएगा, तो यहाँ पर बचा 5, ठीक है, और यहाँ पर हो गया 5×58 हो गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 11×5=55, ठीक है, 11×5=55, यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना बचा 3, 11×3=33, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको हम ना किससे डिवाइड करेंगे, तो ये देखिए दोस्तों किससे डिवाइड होगा, तो अब ये देखिए दोस्तों 23 से डिवाइड होगा, ठीक है, 23 से डिवाइड होगा 23×1=23, यहाँ पर कितना बचा 2, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हो गया 23, तो 23×1=23, ठीक है, तो यहाँ पर 23×1=23, ठीक है। अब ये देख दोस्तों 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11×11, ठीक है। अब देख दोस्तों इसके देख दोस्तों अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 5 होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख दोस्तों 11 है ना 2 बार है, ठीक है, तो 11 को हम ना 11^2 लिख देंगे और गुणा 23, ठीक है, तो 23 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देख दोस्तों 13,915 के अभाज्य गुणनखंड ये वाले हो जाएंगे, ठीक है, 5×11^2×23, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका देखिए दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम इसमें ना मैच करते हैं कौन सा वाला हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5×11^2×23, ठीक है, तो इसका सी आंसर, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था, आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम ना
इसको देखिए दोस्तों आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसका 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको हमने पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है यदि बहुपद 9x² - kx - 5 का एक मूल 2 है तो k का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें ना इस वाले बहुपद का, ठीक है दोस्तों, द्विघात बहुपद में ना 2 मूल निकलते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए दोस्तों एक मूल हमें दे रखा है, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों हमारे पास ना एक मूल इसको दे रखा है, ठीक है। इसका एक मूल दे रखा है और बेसिकली हमें ना k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे करें निकालेंगे, हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। हम देखिए दोस्तों इसका एक मूल है ना, तो यहाँ पर x की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखिए दोस्तों पुट करेंगे, कैसे करें पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर एक मूल इसका दे रखा है, यानी कि एक एक्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, दे रखी है। अब क्या करेंगे, एक्स का मान है ना इस वाले बहुपद में पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों करते हैं, तो देखिए दोस्तों 9 और x² एक्स की वैल्यू हम ना 2 पुट करेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, माइनस के k और गुणा एक्स की वैल्यू 2, ठीक है, माइनस के 5 और ना इसको 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 × 2 = 4 और 4 × 9 = 36, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, माइनस के 2 k, ठीक है, माइनस के 2 k माइनस के 5 = 0, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 36 में से 5 जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 31 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 31 बचेगा, तो यहाँ पर 31 माइनस 2 k, ठीक है, बराबर 0। अब 2 को इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पर 31 बराबर 2 k, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 को इधर लेके आएंगे, तो भाई ये डिवाइड कर देगा को, तो k बराबर देखिए दोस्तों 31/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों k की वैल्यू 31/2 निकल के आई है, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 31/2 है, ठीक है, 31/2। तो इसमें देखिए दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन था, तो इसमें देखिए दोस्तों इसमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम ना 11वें क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों कैसे करें सॉल्व करेंगे, गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन होगा, ठीक है। तो हमें देखिए दोस्तों एक गोला दिया है, ठीक है, और गोले की त्रिज्या हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर, तो इसका देखिए दोस्तों वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके गोले का सूत्र याद होना चाहिए, गोले का सूत्र आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो सबसे पहले आप सूत्र याद कर लो, देख दो मैथ में सबसे ज़्यादा सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने ना सूत्र को तैयार कर लिया तो समझो आपकी ना 20% मैथ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, 20% मैथ कंप्लीट आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि फॉर्मूले कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों गोला, ठीक है, गोले का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों 4/3 πr³, ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी इसका ये सूत्र होता है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अब चलिए दोस्तों हम ना इस सूत्र में देखिए दोस्तों वैल्यू को पुटअप करते हैं, ठीक है। तो 4/3 और देखिए दोस्तों पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें ना यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें आर यानी कि त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या की जगह 21 यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे 21 लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों इसका ना क्यूब करना है, तो देखिए दोस्तों 21 × 21 × 21, ठीक है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई 3 बार कर देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 7 × 7 = 7, 7 × 21 3 × 3 = 3, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 22 × 88, ठीक है, 22 × 88 और देखिए दोस्तों 21 × 21 में करेंगे तो देखिए दोस्तों 441 आता है, ठीक है, 441। अब क्या करेंगे, और यहाँ पर देखिए दोस्तों 41 × 88 यहाँ पर 88 में करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों करते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों 88 और देखिए दोस्तों 41, ठीक है, 41। अब देखिए दोस्तों इसकी ना मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 1 × 8 = 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 की, ठीक है, तो 4 × 8 = 32 हासिल लगी 3, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 4 × 8 = 32 32 + 3 = 35, ठीक है, 35, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ना ऐड कर लेंगे, तो देखिए दोस्तों 8 × 8 = 10 हासिल लगी 1। सॉरी दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, जब हम ना 21 × 21 में करेंगे तो भाई 441 होगा, ना कि 41, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 441 होगा, ठीक है, क्योंकि 21 का वर्ग होता है 441, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों 441 × 88 करेंगे 88 में, ठीक है, हम यहाँ पर देखिए दोस्तों केवल 41 में कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी गलती हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों 441 × 88 में करेंगे, तो चलिए दोस्तों करते हैं 8 × 8, ठीक है, 8 × 32 = 2 हासिल लगी 3, 8 × 32 = 3 = 35, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए दोस्तों फिर हम 8 × 8 करेंगे, 8 × 8 और देखिए दोस्तों 8 × 32 = 2 हासिल लगी 3, ठीक है, 8 × 32 = 32 और 3 = 35, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। आठ आठ दो दस की जीरो हासिल लगी, एक पाँच दो सात और एक आठ, ठीक है। और देखिए दोस्तों पाँच तीन आठ और तीन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 388 और 08, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर में, ठीक। और यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 38,808 आया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका देखिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा पहला ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 38,808 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम ना अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों हमारा क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इसको हम ना पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों चित्र में ए ओ बी बराबर 100 डिग्री, तो बी ए टी का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये वाला चित्र है, ठीक है। यहाँ पर ये चित्र है और यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें ना, देखिए दोस्तों ये वाला कोण दे दिया है 100 डिग्री, ठीक है। 100 डिग्री दे दिया है और देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, बी ए टी यानी कि ये बारी इस वाले कोण का हमें मान बताना है, ठीक है। कैसे करके बताएंगे, अब देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर देखिए दोस्तों आपने ध्यान से देखना, ठीक है। ये वाली त्रिज्या है, ये वाली त्रिज्या है, ठीक है। तो दोनों त्रिज्या तो सेम होंगी, ठीक है। तो ये वाली भुजा दोनों बराबर होंगी, ठीक है। जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है ना, तो उसके सम्मुख कोण भी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देख दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख दोस्तों ये 100 डिग्री है, तो ये वाले दोनों कोण क्या हो जाएंगे, तो देख दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, ठीक है। 180 इसमें एक कोण है 100, बचा 80, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, आधा ये होगा आधा ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला 40 हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला 40 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा कोण कितने का होगा, ये पूरा कोण होगा भाई 90 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि देखो दोस्तों वृत्त पर ना स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक, और लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक। तो इसमें देखिए दोस्तों इतना कोण है 40 डिग्री, बचा कितना ये 50 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों हमें लॉजिकली इसको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम ना फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमारा ना 13वां क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको ना पढ़ते हैं, ठीक है। किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, ठीक है। तो हमें बताना है, देखिए दोस्तों प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक कौन से रूप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। जो इसका देखिए दोस्तों धनात्मक विषम पूर्णांक होता है 2p+1 के रूप का होता है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हमने इसका अगला ऑप्शन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 14वां प्रश्न है, ठीक है। 14वें प्रश्न को करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको देखिए दोस्तों पढ़ते हैं। यदि 1/(x²-2)/1/7, तो एक्स का मान होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंपली इसकी ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों कहते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों (x²-2)/7 निकल के आ जाएगा, ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमने 2 को इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों (x²) देखिए दोस्तों ये 2 है ना, 2 इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, और ये 2 देखिए दोस्तों प्लस का, और ये 7 ये प्लस का, 7 और 2 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा। इस कार को जब इधर लेके जाएंगे तो भाई ये देखिए दोस्तों रूट बन जाएगा, ठीक है, √9। और देखिए दोस्तों 9 का वर्गमूल होता है (+-3), ठीक है। रूट क्या होता है, हमेशा दो वैल्यू देता है, एक प्लस की एक माइनस की, ठीक है। तो (+-3), ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करना था। अब चलिए दोस्तों हमने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों हमने पढ़ते हैं सिंपली, ठीक है। के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x+3y=5 और 4x+ky=10, ठीक है। यहाँ पर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, के की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक शर्त होती है (a₁/a₂) बराबर होता है (v₁/v₂), ये भी बराबर होता है (c₁/c₂), ठीक है। तो इस प्रकार से ये शर्त होती है अनेक हल होने के लिए, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों एसी में देखिए दोस्तों हम वैल्यू को पुटअप करेंगे, ठीक है। तो कैसे कैसे रखेंगे, अब देखिए दोस्तों ए1 की क्या वैल्यू होगी, यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 समीकरण है, एक पहला समीकरण, एक ये दूसरा समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर ए1 की वैल्यू होगी पहले वाले समीकरण में एक्स का गुणांक 2, ठीक है, यहाँ पर 2/a₂, दूसरे वाले समीकरण में एक्स का गुणांक 4, ठीक है, बराबर v₁ क्या होगा पहले वाले समीकरण में y का गुणांक 3, ठीक है, (v₂) क्या होगा दूसरे वाले समीकरण में y का गुणांक k, ठीक है, बराबर (c₁) क्या होगा अचर पद 5, और यहाँ पर (c₂) क्या होगा यहाँ पर जाएगा 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, चाहे आप इसको बराबर रख लो, चाहे आप इसको बराबर रख लो, आपको देखिए दोस्तों k की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हमें इसको बराबर रखते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 2 × 2 = 2, 2 × 4, ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो (k)2 = 6, ठीक है, तो (k)6, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें देखिए दोस्तों k की वैल्यू 6 निकल के आई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों
यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी की वैल्यू 6, यानी कि सॉरी यहाँ पर के का मान 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 16वां प्रश्न है, ठीक है। 16वां प्रश्न है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य दिखा होगा, ठीक है। तो इसको देखिए दोस्तों कैसे करें, सॉल्व करें। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, 1 से 10 तक, ठीक है। 1 से 10 तक के हमें क्या करना है, सम संख्या, ठीक है। देखिए दोस्तों हमें ना समांतर माध्य निकालना है, ठीक है। कैसे कर निकालेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य कैसे करें निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1 से 10 तक की कौन कौन सी सम संख्या होती हैं, 1 क्या सम संख्या है, नहीं, 2 सम संख्या है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, ठीक है, और फिर ये देखिए दोस्तों 10 भी तो है, 10 है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम इसको ना सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर कितनी संख्या है, जितनी संख्या है ना उससे हम ना भाग कर देते हैं। यहाँ पर टोटल कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, समांतर माध्य निकालने के लिए जितनी ऊपर संख्या होती है उस संख्या से हम भाग कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम इसको ना ऐड करेंगे, तो देखिए दोस्तों 10 और 8 18, ठीक है, 18 और 6 24, ठीक है। देखिए दोस्तों 24 और 4 28, 28 और 2 30, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 30/5, ठीक है, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 5 × 6 30, ठीक है, 5 × 6 30। तो देखिए दोस्तों इसका समांतर माध्य 6 निकल के आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 इसका सही आंसर है ना, इसमें देखो दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका समांतर माध्य क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करना था, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हमने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। बिंदु को 5.0 और -12.0 के बीच की दूरी, ठीक है, हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बहुत आराम से बता देंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें ना दूरी वाला सूत्र लगाना है, ठीक है। ये वाली वैल्यू हो जाएगी x1, ये वाली वैल्यू हो जाएगी y1, ठीक है, ये वाली हो जाएगी x2, ये वाली हो जाएगी y2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर, ठीक है, सूत्र, ठीक है, सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, y, देखिए दोस्तों y1 और y2 की वैल्यू तो 0 है, देखिए दोस्तों y1 की वैल्यू भी 0 है और y2 की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब है हमें x से, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अंडर रूट के अंदर x2 की वैल्यू कितना है, -12, ठीक है, -12, ठीक है। यहाँ पर देखो दोस्तों -12, ठीक है, और x1 की वैल्यू क्या है, -5, ठीक है, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको देखिए दोस्तों -12 - -5 - 17, ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए दोस्तों 289, 17 का वर्ग होता है 289। अब देखिए दोस्तों 289 का वर्गमूल लेंगे तो भाई 17 आ जाएगा, ठीक है, तो 17 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 17, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हमने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न है 18, ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम इसको पढ़ते हैं। 3 cot A = 4, तो sec A का मान होगा, ठीक है, हम क्या करेंगे इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इसको ना बड़े आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, 3 यहाँ पर जब हम ना 3 को इधर लेके जाएंगे तो भाई ये भाग कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस तरह से करेंगे, एक मिनट, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों cot, ठीक है, cot A = 4/3, ठीक है, 4/3। और देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों cot क्या होता है, cot tan का उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, tan A = 1/cot, ठीक है, cot A। अब देखिए दोस्तों हमें ना cot A की वैल्यू पता है, 1/cot A की वैल्यू क्या है, 4/3, ठीक है। इसके नीचे इसको ना ऊपर ले जाएंगे तो 3/4, ठीक। तो हमारे पास देखिए दोस्तों tan A की वैल्यू अब निकल के आ चुकी है, tan A = 3/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों हमें बेसिकली निकालना क्या था, हमें तो देखिए दोस्तों sec A की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक सर्व संख्या होती है, कौन सी वाली सर्व संख्या, देखिए दोस्तों हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 1 tan² A = sec² A, ठीक है, sec² A, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर को जब इधर लेके जाएंगे तो यहाँ इस पर ना रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, रूट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों sec, ठीक है, sec A = आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1+, ठीक है, 1+tan² A, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें ना tan की वैल्यू पता है, 3/4,
इसका स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अंडर रूट के अंदर एक प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और 4 6 16, ठीक है। इसके नीचे बनवान के इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 16 इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 16 एकम 16 प्लस 9, ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। 16 9 होते हैं 25 बटा 16, ठीक है, ये अंडर रूट के भी अंदर है, ठीक है। अब इसको बाहर निकालेंगे तो देखिए दोस्तों, 25 का वर्गमूल होता है 5, 16 का वर्गमूल होता है 4, ठीक है। तो 5 बटे 4, ठीक है, 5 बटे 4 sec a बराबर कितना आ जाए, 5 बटे 4, ठीक है। तो sec a की वैल्यू हो जाएगी 5 बटे 4, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था, कितना देखिए दोस्तों आसान था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 बटे 4, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करना था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अगला प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें डी निकालना है, डी बराबर v² - 4ac, ठीक है। किस कैसे करें निकालेंगे, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा b², ठीक है। यहाँ पर क्या होगा देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये हो जाएगी a की वैल्यू, ठीक है, ये हो जाएगी b की वैल्यू, ये हो जाएगी c की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा b², तो b की वैल्यू क्या है, -6, ठीक है, -6 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये d बराबर हो जाएगा, ठीक है, -6, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, -4 * a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है, 3 * c, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ठीक है, = 0, ठीक है। यहाँ पर 0 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर केवल हम d निकालना है, यानी कि विभक्तर निकालना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, -6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 * 36, -4 * 4 = 12 और 12 * 48, ठीक है, 48। अब क्या करेंगे देखिए दोस्तों, 36 में से 48 हटाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, 8 और 4 = 12, -12, ठीक है। तो यहाँ पर डी बराबर, यानी कि -12, यानी कि विभक्तर, ठीक है, विभक्तकर कितना निकल के आ जाए, विभक्तकर निकल के आ जाए 12, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका देखिए दोस्तों, विभक्तर हो जाएगा 12, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस वाले 20वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम इसको पढ़ते हैं, 2 cos 3θ = 1, तो थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये भाग कर देगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 3θ = 1/2, ठीक है, हमें पता है 1/2 कॉस के फॉर्म में कितने की वैल्यू होती है भाई, देखिए दोस्तों, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 की जगह कॉस 60 डिग्री लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, cos 3θ = cos 60 डिग्री, ठीक है, कॉस से कॉस यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 3θ = 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 * 3 = 60, यानी कि θ = 20 डिग्री निकल के आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर θ 20 डिग्री, और यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको ना बहुत ही इजी तरीके से बताया है, अगर आप ना इसकी एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक आप अपनी ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।